लोकसभा का चुनावी रण अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। इस आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूर्व संसदीय क्षेत्र तक शामिल है। हिमाचल से लेकर पंजाब तक की सीटें इसी चरण में शामिल हैं जहां पर चुनाव होंगे। योगी आदित्यनाथ जिस गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से कई बार सांसद रहे, वहाँ इस बार भोजपुरी सिनेमा की दो शख्सियतें लड़ाई में हैं। भाजपा उम्मीदवार और अभिनेता रवि किशन के सामने सपा की काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं। काजल भी भोजपुरी कलाकार हैं। हमारी खास पेशकश सीट का समीकरण में आज हम इसी गोरखपुर सीट की बात करेंगे, इसके चुनावी इतिहास की बात करेंगे, बात करेंगे यहां से जीते उम्मीदवारों की, पिछले चुनाव में सीट पर क्या हुआ था, कैसे समीकरण है इस बार, किस तरह से गोरखनाथ पीठ जो है उसका यहाँ पर एक प्रभाव रहा है, कैसे गोरखपीठ के जो पीठाधीश्वर रहे हैं अलग अलग वो गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, इन सब की भी बात करेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपीठ के महंत हैं, वो भी यहाँ से लंबे समय तक सांसद रहे। लेकिन शुरुआत करते हैं साल 1951-52 से, जब देश के पहले आम चुनाव हुए। तब गोरखपुर के नाम से कोई लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन जिस नाम से ये सीट अभी है वो अस्तित्व आया 1957 के लोकसभा चुनाव में, जो कि देश के दूसरे लोकसभा चुनाव थे, और जीत मिली थी इस चुनाव में कांग्रेस को। और यहाँ से जो दो उम्मीदवार जीते थे उनमें से एक थे सिंहासन सिंह और दूसरे थे महादेव प्रसाद। बता दें कि पहले दो आम चुनाव में, मतलब 1952 और 1957 के जो चुनाव थे, उस दौर में कई ऐसे सीटें हुआ करती थीं जहां पर दो दो सांसद चुने जाते थे। तो 57 का जब चुनाव हुआ था तो गोरखपुर से भी दो सांसद चुने गए थे, एक सामान्य श्रेणी से और दूसरे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से होते थे। जो दो चुने जाते थे सांसद किसी सीट से, उनका इस तरह की व्यवस्था थी। हालाँकि ये व्यवस्था 1961 के बाद से समाप्त कर दी गई, खत्म हो गई, और 1962 के जब चुनाव हुए तब एक सीट से एक ही जनप्रतिनिधि चुनकर लोकसभा पहुंचता है तब से, और गोरखपुर से भी तब से एक ही जनप्रतिनिधि पहुंचता है। 1962 का जब चुनाव हुआ तो यहां से कांग्रेस को एक बार फिर से जीत मिली। कांग्रेस के सिंहासन सिंह जो कि 57 में भी जीते थे वो जीते, और उनके सामने कौन थे, हिंदू महासभा के टिकट पर दिग्विजय नाथ, जो कि महज 3,220 वोटों से हार गए थे। दिग्विजय नाथ गोरखनाथ पीठ के महंत थे। यहाँ से वो शुरुआत होती है, गोरखपीठ, गोरखपुर की लोकसभा सीट, इसके संबंध को जब आप देखते हैं तो वो कितना पुराना है वो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1967 का जब चुनाव होता है तो एक बार फिर महंत दिग्विजय नाथ मैदान में उतरते हैं, इस बार बतौर निर्दलीय उम्मीदवार वो उतरते हैं और जीत दर्ज करते हैं। 1962 की हार का बदला लेते हैं, कांग्रेस के एस एल सक्सेना को वो 42,715 वोटों से हरा देते हैं। हालांकि दिग्विजय नाथ पूरे 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, 1969 में उनका निधन हो जाता है, उसके बाद उपचुनाव होते हैं और उपचुनाव में उतरते हैं महंत अवैधनाथ, वो महंत अवैधनाथ जो कि दिग्विजय नाथ के उत्तराधिकारी थे। अवैधनाथ एक बार फिर जब चर्चा में आते हैं, यहाँ से जीतते हैं, इस उपचुनाव में वो जीतते हैं। उसके साथ ही अवैधनाथ की जब बात आप करेंगे तो अवैधनाथ एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति में छाए रहे, और जो राम जन्मभूमि आंदोलन था उसके जो बड़े बड़े जो अहम किरदार थे उनमें से एक किरदार महंत अवैधनाथ भी थे। 1971 का जब लोकसभा चुनाव होता है तो एक बार फिर महंत अवैधनाथ यहाँ से उम्मीदवार होते हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और वो हारते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार नरसिंह नारायण से, जो कि यहाँ से जीतते हैं। निर्दलीय उतरे महंत अवैधनाथ को हार मिलती है और एक बार फिर कांग्रेस यहाँ से वापसी करती है। अब आता है साल 1977 का चुनाव, आपातकाल के बाद का चुनाव। कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार की सभी सीटें हारती है, तो गोरखपुर सीट भी उसे हार झेलनी पड़ती है। गोरखपुर सीट पर उसको जो असफलता मिलती है, उसके सामने जो उम्मीदवार होते हैं वो होते हैं भारतीय लोकदल के टिकट पर उतरे हरिकेश बहादुर, जो कि जीत दर्ज करते हैं। हरिकेश बहादुर को जो उम्मीदवार उनके सामने होते हैं कांग्रेस के, वो होते हैं नरसिंह नारायण, जो कि 1971 में जीते थे, और इस बार नरसिंह नारायण 1,83,000 से ज़्यादा वोटों से हार जाते हैं। 3 साल बाद यानी 1980 जब फिर से एक बार चुनाव होते हैं, मध्यावधि चुनाव होते हैं, और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब कांग्रेस आई
उसको एक बार फिर से सफलता मिलती है। पार्टी के प्रत्याशी हरकेश बहादुर जनता पार्टी सेकुलर के दीप नारायण यादव को 16,141 वोटों से हरा देते हैं। साल 1984 कांग्रेस एक बार फिर जीतती है। यहां से सहानुभूति की लहर में 400 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस को गोरखपुर में भी सफलता मिलती है और ये सफलता दिलाते हैं मदन पांडे। वो हराते हैं लोकदल के टिकट पर उतरे हरकेश बहादुर को 96,600 वोटों से। साल 1989 की बात जब करें, साल 1989 जब चुनाव आता है तो एक बार फिर हिंदू महासभा का चेहरा बनते हैं महंत अवैधनाथ। महंत अवैधनाथ 18 साल बाद फिर गोरखपुर की राजनीति में वापसी करते हैं, गोरखपुर से संसदीय चुनाव में वापसी करते हैं। यहां से वो उतरते हैं और उतरने के साथ साथ जो 1971 में मिली उनकी हार होती है, उस हार को इस बार वो हिंदू महासभा की तरफ से उतरे महंत अवैधनाथ जीत में बदलते हैं, जीत दर्ज करते हैं। और वो हराते किसको हैं? जनता दल के रामपाल सिंह को 45,837 वोटों से। साल 1989 से शुरू हुआ ये दौर, किस तरह से गोरखपीठ और गोरखपुर एक दूसरे के पर्याय बने, वो कई सालों तक चलता रहा। यहाँ से वो दौर शुरू होता है साल 1991। इस बार महंत अवैधनाथ भाजपा के उम्मीदवार होते हैं और वो जीत दर्ज करते हैं। जनता दल के उम्मीदवार को वो हराते हैं, शारदा प्रसाद रावत उनके सामने होते हैं, जिन्हें 91,359 वोटों से हार का सामना करना पड़ता है। साल 1996 गोरखपुर में एक बार फिर महंत अवैधनाथ को सफलता मिलती है। भाजपा के प्रत्याशी महंत अवैधनाथ समाजवादी पार्टी के टिकट पर उतरे वीरेंद्र प्रताप शाही को 56,880 वोट से हरा देते हैं। अब आता है साल 1998, ये वो चुनाव जहां से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की राजनीति में एंट्री करते हैं। महज 25-26 साल का एक युवक यहां से उतरता है, न सिर्फ चुनाव में उतरता है बल्कि वो जीत दर्ज करता है। और वो हराते किसको हैं 1998 के इस चुनाव में? वो हराते हैं सपा के उम्मीदवार जमुना प्रसाद निषाद को 26,206 वोटों से। इस जीत के साथ योगी आदित्यनाथ महज 26 साल की उम्र में सांसद बन जाते हैं। उस जो वो लोकसभा होती है, उस लोकसभा के सबसे युवा सांसद होते हैं वो। 1998 के महज एक साल बाद 1999 में फिर से चुनाव होते हैं, फिर से भाजपा के उम्मीदवार बनते हैं योगी आदित्यनाथ। सामने होते हैं एक बार फिर से जमुना प्रसाद निषाद सपा के टिकट पर। नतीजा फिर से वही रहता है, भाजपा के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जीतते हैं। हालांकि जीत हार का अंतर थोड़ा कम हो जाता है, महज 7,339 वोटों से वो जीत दर्ज कर पाते हैं। लेकिन साल 2004 आते आते योगी आदित्यनाथ एक तरह से गोरखपुर में एक अपनी अच्छी पैठ और पकड़ बना चुके होते हैं। जमुना प्रसाद एक बार फिर उनके सामने होते हैं, लेकिन वो जो 7,000 कुछ वोटों से जीत मिली थी 1998 में, वो 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुकी होती है। 2004 के चुनाव में ये हार जीत का जो अंतर होता है वो 1,42,039 वोटों का हो जाता है। इतनी बड़ी जीत दर्ज करते हैं योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ उनकी जीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। साल 2009 में एक बार फिर वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं। उनके सामने कौन होता है? उनके सामने एक भोजपुरी चेहरा होता है, उस चेहरे का नाम होता है मनोज तिवारी। और उनको टिकट किसने दिया? टिकट दिया होता है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के टिकट पर मनोज तिवारी गोरखपुर से उतरते हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। ये वही मनोज तिवारी हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये दिल्ली की राजनीति वो करते हैं। 2014 में, 2019 में यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं, 2024 में फिर से वो उम्मीदवार हैं। कभी गोरखपुर से लड़ने वाले मनोज तिवारी अब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके, दिल्ली की राजनीति का पर्याय एक तरह से बीजेपी के एक बड़े चेहरे बन चुके हैं। लेकिन अपना पहला चुनाव वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ के सामने लड़ते हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। भाजपा के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में 2,20,271 वोटों से जीतते हैं। दूसरे नंबर पर रहते हैं विनय शंकर तिवारी, और जबकि मनोज तिवारी को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ता है। साल 2014 गोरखपुर की सियासी लड़ाई में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ नाम वही रहता है, चेहरा वही रहता है, भाजपा के टिकट पर उतरते हैं और परिणाम भी वही रहता है। योगी आदित्यनाथ फिर से जीत दर्ज करते हैं। सपा के प्रत्याशी राजमती निषाद को वो 3,12,783 वोटों से, मतलब कि वोटों का हार जीत का जो अंतर है वो लगातार बढ़ रहा है। चाहे जो चुनाव हो, लगातार वो जीत हार का अंतर जो
कि 1998 में घटकर 7,000 कुछ पर आ गया था, उसके बाद वो लगातार कभी 1.5 लाख के करीब, फिर 2.5 लाख और अब करीब 3.5 लाख का अंतर ये हो चुका है। 5,39,127 वोट पाते हैं योगी आदित्यनाथ, जबकि सपा के उम्मीदवार को महज 2,26,344 वोट मिलते हैं। साल 2014 राज्य उत्तर प्रदेश, जहां होता है विधानसभा चुनाव, और इस विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है भारतीय जनता पार्टी को। जीत के बाद कई दिनों तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलें चलती हैं, कई नाम रेस में होते हैं, लेकिन उस रेस में सबसे आगे कोई निकलता है तो वो होते हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखपुर से सांसद होते हैं। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद गोरखपुर सीट से इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद लगातार 26 साल तक जो चला रहा संबंध था गोरखपीठ का, गोरखपुर के प्रतिनिधित्व का, वो एक तरह से टूटता है। 1989 से लगातार 2017 तक अगर देखें तो एक तरह से करीब करीब 27-28 साल का ये संबंध है, अगर 1989 से लगातार हम देखते हैं तो। और अगर आप 62 से देखेंगे तो लगातार कभी ना कभी बीच के कुछ सालों को छोड़ दें तो चेहरा कोई ना कोई गोरखपीठ से यहाँ से जीतता रहा, उम्मीदवार बनता रहा। और खुद योगी आदित्यनाथ लगातार 98 से लगातार यहाँ के चेहरे रहे। और 2017 में जीत के बाद उपचुनाव जो होता है, उस उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार होते हैं प्रवीण निषाद, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस सीट पर एक जो चेहरा बनता है, उस चेहरे को यहाँ से हार मिलती है। और वो हार वजह कौन बनता है? समाजवादी पार्टी को बसपा यहाँ से उम्मीदवार नहीं उतारती है। बसपा कहती है कि एक तरह से अपने जो वोटर होते हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करें, और उस जीत हार को पाटने की कोशिश करती है। बसपा और सपा मिलते हैं और नतीजा बदल जाता है। इस उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार को जीत मिलती है, और इस जीत के साथ 26 साल बाद एक बार फिर कई विश्लेषक ये मानते हैं कि 26 साल के बाद जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए, उसका एक बड़ा कारण गोरखपुर और साथ में फूलपुर में जो उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव के नतीजे बने थे। हालांकि वो जो उपचुनाव के नतीजे थे, वैसी सफलता इस गठबंधन को 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिली। अब बारी आती है साल 2019 के लोकसभा चुनाव की। साल 2019 का लोकसभा चुनाव, भाजपा यहाँ से भोजपुरी कलाकार रवि किशन को अपना उम्मीदवार बनाती है। रविंद्र श्याम नारायण शुक्ल उर्फ रवि किशन के सामने होते हैं सपा की तरफ से राम भुवाल निषाद, जो कि 3,01,664 वोटों के अंतर से हार जाते हैं। सपा प्रत्याशी को यहाँ 4,15,458 वोट मिलते हैं, जबकि भाजपा के उम्मीदवार को 7,17,122 वोट मिलते हैं और वो जीतने में सफल रहते हैं। रवि किशन, जो कि 2019 में यहाँ से जीते, 2024 में एक बार फिर से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उतरे हैं। उनके सामने इस बार समाजवादी पार्टी ने भी एक भोजपुरी कलाकार काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया है। अब इन दोनों की लड़ाई में किसको जीत मिलेगी, या बसपा जो कि इस बार, जो 2019 में साथ थी जरूर, लेकिन इस बार अलग है, इस बार सपा के साथ जो समर्थन दे रही है वो कांग्रेस है, जबकि बसपा ने यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा है। जावेद सिमनानी को उन्होंने मैदान में उतारा है, उनका कोई प्रभाव होता है, वो जीत दर्ज करते हैं सपा को मिलती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बचाए रखती है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा 4 जून तक। तब तक आप देखते रहिए amarujala.com। एग्जिट पोल 2024, 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर amarujala.com।